लियान ने लिंचन से डॉक्यूमेंट्स मंगाया था, तो लिंचन फाइल देते हुए कहता है, मिस्टर लियान, आपने जो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वेस्ट किया वो सभी यहाँ है। लियान कहता है ओके। लिंचन उसे प्रोजेक्ट दिखाने लगा, तभी वहाँ केट ने आकर आवाज किया। सेन उसे उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हुए कहता है, उन्हें परेशान मत करो। फिर वो रूम में जाने के बाद कैट को नीचे रखते हुए कहता है, तुम पहले यहाँ खेलो। लेकिन कैट ने बेडशीट को पकड़ लिया। उप्स, बेडशीट को मत पकड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें बिग बैड वुल्फ को खाने के लिए बाहर फेंक दूंगा। यह सुनकर कैट डर गया। फिर सैन बेड पर लेटकर कहता है, बिग बैड वुल्फ से डर गए? सैन अपने हस्बैंड को ही बिग बैड वुल्फ में कल्पना करने के बाद खुद को हंसने से रोकने लगा। फिर वह सोचने लगा, उसके कोल्ड फेस का सच में बच्चों पर असर हो सकता है। इसके बाद उसने उस बात को याद किया जब लियान ने कहा था, प्रेग्नेंट वुमन पर कोई असर नहीं होगा। सैन फिर से कैट को देखकर सोचता है, क्या ये मेरे लिए गिफ्ट है? फिर वो तुरंत ही उठ गया, शायद थोड़ा सेल्फ इंटेलिजेंट। वो कहता है, मामला क्या है, क्या तुम भूखा हो? उसने सोचा कैटफूड रूम में होना चाहिए, तब वो कैटफूड लाने के लिए नीचे चला गया। लियान कहता है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो सैन कहता है, कैटफूड। किटन भूखा लग रहा है और रोता रहता है। लियान कहता है, टेबल पर है। सैन कहता है, ओह ओके। उसे कैटफूड मिल गया। लियान कहता है, मिला। फिर वो लिंचन से कहता है, सर्कुलेशन न्यू ओपन किया जा सकता है और प्रॉपर्टी जमी हुई है, मुझे कोई रास्ता मिल जाएगा। सैन ने उन दोनों की बातों को सुन लिया था और कहीं ना कहीं वो समझ भी गया था वो दोनों किस बारे में बात कर रहा है। तो उसने साइड में जाकर सोचा, अगर मेरा अनुमान सही है तो लिंचन लियानजो से लगभग एक महीने की हिरासत के बारे में बात कर रहा था। उसके नाम के तरफ प्रॉपर्टी और कंपनी की अकाउंट बंद कर दिया गया था, जिससे कंपनी कैपिटल चेन के साथ प्रॉब्लम हो रहा था। फिर वो कुछ पल के खामोशी के बाद अपने रूम में जाकर ड्रॉअर से एक कार्ड निकालने के बाद हस्बैंड के पास चला गया। दूसरी तरफ लियान कह रहा था, जब हम कंपनी जाएंगे बाकी की बात तभी करेंगे, आफ्टरनून को एक मीटिंग होते हैं। तभी सैन ने हस्बैंड को बुलाया। लियान और लिंचन ने नजर उसके तरफ किया। कुछ पल के खामोशी के बाद वो कार्ड को देते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हें और कितना चाहिए, ये पहले तुमने मुझे दिया था, तुम पहले इसे यूज कर सकते हो। लिंचन लियान को देखकर सोचता है, इस बैंक कार्ड में नंबर सच में काफी इम्प्रेसिव है। मिस्टर सैन के नाम से पहले ट्रांसफर किए गए स्टॉक के अलावा ये इमरजेंसी यूज के लिए एक अच्छी चॉइस नहीं है। लियान बस वाइफ को देख रहा था, उसने एक भी शब्द नहीं कहा। लिंचन कहता है, मिस्टर सैन, ये मिस्टर लियान की दिया गया मैरिज गारंटी है, आपको इसे रखना चाहिए। तो सैन हस्बैंड के शर्ट को थोड़ा पकड़ के कहता है, अगर ये अभी भी काफी नहीं है तो तुम इस घर को क्यों नहीं बेच देते? फिर सैन को घर से निकलना पड़ गया। वो बाहर खड़ा होकर घर को देखते हुए सोचने लगा, इतनी जल्दी बाहर जाने की उम्मीद नहीं था। जब उसने हस्बैंड से कहा था, तुम पहले इस घर को क्यों नहीं बेच देते, तब लिंचन उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही लियान कार्ड को लेकर कहता है, सिर्फ एक चीज सैन बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो है यार्ड में फ्लावर और प्लांट। फिर वो अपने कैट से कहता है, चलो। सिटी की तरफ बढ़ते हुए वो यही सोच रहा था, क्या लियानजो ने कहीं घर रेंट पर लिया या खरीदा? सैन के लिए सिटी की तरफ जाना क्या ये उसके लिए असुविधाजनक होगा, क्योंकि लियान के दुनिया में मैन प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। लोकेशन में पहुंचते ही लिंचन कहता है, हम आ चुके हैं मिस्टर सैन। सैन जब घर के अंदर गया, वहाँ कैट के बैठने की चीज भी था, कैट तुरंत ही वहाँ जाकर खेलने लगा। सैन को ये सब फेमिलियर लगा। वो पूरे घर को देखते हुए सोचने लगा, क्या ये हो सकता है कि ये लियानजो का घर है? लियानजो पहले मेरे साथ नहीं रहता था, अब उसने मुझे अपने साथ रहने के लिए उठा लिया। ऐसा लगता है कि उसके पास सच में पैसों की कमी है। तभी एक आकर कहता है, मिस्टर सैन, आपका सामान ऊपर की तरफ ले जाया गया है और आपके रूम के डोर पर रख दिया गया है, क्या आपको इसे ऑर्गेनाइज करने में हेल्प चाहिए? सैन कहता है, थैंक यू, जरूरत नहीं, मैं खुद से ऑर्गेनाइज कर लूंगा। तो पर्सन कहता है, ओके, पहले मैं निकलता हूँ, फिर बाद में दूसरा फर्नीचर ले आऊंगा। सैन जब ऊपर गया, उसका लगेज डोर से बाहर ही था। उसने डोर ओपन करके देखा, वो रूम उसका पहले के रूम के तरह ही था। बेडशीट भी वही था जिसे वो पहले यूज किया करता था। अपने प्रति लियान के केयर को शायद वो कुछ ज्यादा ही सोचने लगा, जिसे सोचकर वो ब्लश करने लगा। उसने अपने चीजों को ठीक ठाक कर लिया। फिर उसे नीचे के हॉल में लोगों की आवाज सुनाई दिया। जब उसने जाकर देखा तो लियान के आदमी ने वहाँ पे कुछ चीजें लाया था। सैन कहता है, ये लोग कौन है? तो आदमी कहता है, क्या आपको इससे परेशानी हो रहा है? ये प्राइवेसी ग्लास है जिसे मिस्टर लियान ने स्पेशली बदलने के लिए कहा है, चिंता मत कीजिए, इसे जल्दी इंस्टॉल किया जाएगा। सैन कहता है, प्राइवेसी ग्लास? फिर वो सोचने लगा, क्या सिटी में रहना असुविधाजनक नहीं होगा?
लियांजू हमेशा मेरी थॉट को गेस कर लेता है और खामोशी से मेरी चिंता दूर कर दी। फिर इवनिंग के टाइम वो अपनी कैट मिमी के लिए डिनर दे रहा था, तभी लियान घर पहुंचा। गुड इवनिंग मिस्टर लियान, लियान कहता है। उसे किचन की तरफ जाता हुआ देख सैन पूछता है, अभी तक डिनर नहीं किया? तो लियान कहता है। सैन भी उसके तरफ जाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे लिए कुक करने दो। लियान फ्रिज खोलकर कहता है, जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी सैन ने उसे धीरे धीरे धकेलते हुए किचन से बाहर कर दिया और उसने एक भी शब्द नहीं कहा। सैन पूछता है, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम खाना चाहते हो? अगर नहीं है तो बस। लियान कहता है, क्रूसियन कार्ब टोफू सूप। कुछ पल देखने के बाद सैन कहता है, ओके। फिर वो सोचने लगा, मैंने इस सूप को पहले भी बनाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लियान के कहे गए डिशेस को बहुत मेहनत से रेडी करने के बाद वो लियान को डिनर के लिए बुलाने पहुंचा। डोर अनलॉक था। जब सैन ने रूम के अंदर झांका तो उसने देखा लियान सिगरेट फूंकते हुए किसी से बात कर रहा था। तभी लियान ने डोर ओपन कर दिया। उसने जब वाइफ को करीब देखा तो वो सिगरेट बुझाने के लिए इधर उधर चीजें ढूंढने लगा। सैन कहता है, वो डिनर रेडी है। कहने के बाद लियान डोर को क्लोज करके सिगरेट बुझाने लगा। वो मिसिस चैन से बात कर रही थी। दूसरी तरफ से मिसिस चैन हंसते हुए कहती है, वो कौन था? तो लियान कहता है, आप आगे बढ़िए। उसका मतलब था बातों को आगे बढ़ाओ। सैन के तरह ही मिसिस चैन भी प्रेग्नेंट है। मिसिस चैन कहती है, ओके। कुछ दिन पहले निंगजू ने लाओचैन को बहुत कॉल किया। लाओचैन का मतलब है उसका हस्बैंड। लाओचैन कई बार नाराज हुए। उसने पहले नीलामी में खरीदे गए सभी खजाने को नष्ट कर दिया। मुझे लगता है कि निंगजू तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। चैन चियू यानी कि लियान के एडॉप्टेड फादर मिस्टर चैन के जिद्दी होने के कैरेक्टर के साथ वो उस डॉग को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा जिसे उसने अपने हाथों से उठाया और उठाने के बाद उसी डॉग ने उसे वापस से काट लिया। डिफेंडेड इम्बेजलमेंट क्राइम के बाद लियान को लगा ये एक मुश्किल बैटल था और आखिर में उसे अधूरे सबूत के वजह से जल्दी रिहा कर दिया गया। सिर्फ एक चीज जो फर्क ला सकता है वो है चैन निंगजू। फिर लियान डिनर के लिए पहुंचा। वहां उसे एक नोट मिला जहां लिखा था, अगर तुम्हें गले में खराश है तो कम स्मोक किया करो। जाहिर सी बात है ये सैन ने ही उसके लिए रखा था। तो लियान भी सोचने लगा, अगर तुम्हें गले में खराश है तो कम स्मोक किया करो। दूसरी तरफ चैन निंगजू बहुत मजे में था। उसने लियान के लिए न्यूज भेजा कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ और खेलो ब्रदर। उसने साथ में फैमिली को लाने के लिए भी अप्रोच किया। फिर दिन बीता। सैन गुनगुनाते हुए अपने कैट को गले में पहनाने के लिए माफलर बुन रहा था। बुनते बुनते वो सोचने लगा, इसकी आदत पड़ने के बाद हुक काफी तेज हो जाता है। हैंडीक्राफ्ट करने से भी मन को आराम मिलता है। उसके पास ही टेबल में कुछ बुक्स रखा हुआ था जिसे देखकर वो सोचने लगा, हाल ही में लिंचन ने कई नए लॉ से रिलेटेड बुक्स खरीदने में बहुत मदद किया। एक तरफ में अपने यूनिवर्सिटी स्टडी के ईयर्स को बर्बाद होने नहीं देना चाहता और सेकंड मैं दुनिया के बारे में ज्यादा जान सकता हूँ। पिछली बार लियान को ले जाया गया था उस वक्त मैं इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इस दुनिया की लॉ को सीखने से उसे कुछ हद तक मदद मिल सकता है। फॉर्चुनेटली मूल दुनिया की तुलना में कुछ जगहों पर लॉ को समझना आसान है। एक प्रोफेशनल फाउंडेशन के साथ ये सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाल ही में मैं ज्यादा से ज्यादा लियांजू के साथ कम्फर्टेबल हो गया हूँ। पहले जब भी सैन रोज सुबह नीचे पहुँचता था तब लियान ऑलरेडी जा चुका होता था। लियान कभी कभार ही बाहर डिनर किया करता है, इसलिए अब सैन ने सारे तैयारियां करके रखा है क्योंकि उसे अब हस्बैंड के लिए खाना बनाकर रखना है। टाइम से पहले ही उसने कुछ डिशेस की नोट करके रेफ्रिजरेटर पर चिपका दिया ताकि लियान उसमें से डिशेस चुन सके। वहाँ मेन्यू भी लिखा हुआ होता था। अगर लियान को कुछ ऐसा मिलता है जिसे वो खाना नहीं चाहता तो वो उस पर मार्क भी कर सकता था। सैन सोचने लगा, कम से कम अब जब मैं लियान जैसे मिलूंगा तो मुझे कोई शर्मनाक महसूस नहीं होगा। फिर उसे लिंचन का कॉल आया। वो कॉल रिसीव करके कहता है, मिस्टर लिन क्या बात है? लिंचन कहता है, यंग मास्टर आफ्टरनून को घर जा रहा है तो मिस्टर लियान ने कहा कि मैं पहले से आपको बता दूं। ये सुनने के बाद सैन के हाथ से हुक गिर गया। यंग मास्टर? तो लिंचन कहता है, हाँ आपने उसे देखा है। मिस्टर लियान ने यंग मास्टर के नाम पर एम्यूजमेंट पार्क में एक कार्ट अप्लाई किया जहाँ मैंने काम किया और यंग मास्टर को मिस चैन ने एम्यूजमेंट पार्क में लाया था। सैन सोचने लगा, वो बच्चा। सैन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो वो सोचने लगा, लियांजू का बच्चा? लियांजू का बच्चा था? लियांजू का फैमिली था? मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। वो अपने कैट के लिए बनाए गए कॉलर को निचोड़ने लगा। फिर वो कहता है, ओह गुड, क्या मुझे कुछ करना होगा? दूसरी तरफ लिंचन ने सोचा, क्या मिस्टर सैन को गलतफहमी हो गया? फिर वो कहता है, कोई जरूरत नहीं, यंग मास्टर 2 साल पहले घर आया और मैंने उसे देखा। वो बच्चा समझदार है लेकिन वो थोड़ा अंतर्मुखी है। मिस्टर सैन नाराज मत हो।
सेन को लगा था टोंग टोंग लियान का बायोलॉजिकल सन है। वो कहता है 2 साल पहले, तो लिनचेन दूसरी तरफ से आंसू पोंछते हुए कहता है, हाँ यंग मास्टर का बायोलॉजिकल फादर का 2 साल पहले मौत हो गया था और उसकी बायोलॉजिकल मदर काम करने के लिए बाहर चली गई, फिर कभी वापस नहीं आया। रिलेटिव्स भी परवाह नहीं करते थे, ओरिजिनली बच्चों को सिर्फ गवर्नमेंट के सहारे एक अनाथालय में भेजा जा सकता था। मिस्टर लियान हमेशा गरीब बच्चों को देखता था, इसलिए वो बस बच्चे को अपने पास रखता था। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। टाइम पर न्यूज ढूंढने में एबल होना चाहिए। कॉल कट करने के बाद चैन ने उस दिन को याद किया जब वो हस्बैंड के साथ चैन हाउस गया था। उस दिन लियान ने मिस्टर चैन से कहा था, क्या भूल गया, चैन फैमिली ने मुझे इतने सालों तक कैसे पाला? क्योंकि सैन को नहीं पता उसकी हस्बैंड को मिस्टर चैन ने अडॉप्ट किया है। बस उस दिन ये सब सुनने के बाद उसे थोड़ा बहुत भनक लग गया था।